ओके सो वेलकम टू माय रूटीन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेकअप रिमूव करने से। सो विल नीड दिस एंड विल नीड आवर मेकअप रिमूवर एंड आई विल टेक लिटिल बिट ऑफ इट। मेकअप इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आज हुआ था कि मुझे रिमूव करने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट सिंस मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं सो आई विल नीड इट एंड हियर इट गोज। One second and it's done. We are done. Let me not open my eyes for another 1 minute. And this is how the makeup looks like जब finally remove होता है चेहरे से। तो मेरे चेहरे पे थोड़े थोड़े you know acne होना शुरू हो गए हैं। एक normal उससे भी थोड़ा सा remove कर देते ताकि मेरी आँख में ना जाए। Okay, done. Yeah. So, let's remove it from everywhere. सबसे पहले मैंने नॉर्मल सा वाटर लिया है, मिसलर गार्नियर का वाटर जो मेरे पास एक तो ये है और भी एक नया रखा हुआ है बिकॉज यू नो यूट्यूब के कारण काफी ज्यादा फेस पे मेकअप यूज होता है। ऑल सेट, लेट्स रिमूव माय लिपस्टिक। We are done. अब इसके बाद मुझे लगेगा थोड़ा सा अपना वर्जिन कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल जिससे भी मैं थोड़ा सा इसमें लूंगी। बस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है ये वाला। मेरे पास है 100% नेचुरल फ्रॉम कोकोसोल ताकि मेरी स्किन थोड़ी सी नरिश्ड और मॉइस्चराइज्ड रहे। सो फाइनली ये भी हमने लगा लिया है फटाफट जल्दी जल्दी अपनी स्किन के ऊपर हार्श ना रहे। लेकिन अगर आप एक मॉम हैं और आपको सिर्फ 5 मिनट मिले हैं उसके पहले कि आपका बच्चा आपको आवाज लगा लगा कर गुल्ला ले तो बस ऐसे ही आपको रिमूव करना। देखो उसके बाद भी कितना ज्यादा उसके अंदर था। अब इसके बाद की प्रोसेस बहुत ही ईजी है। पानी लगाओ अपने चेहरे के ऊपर और अपना फेस वॉश जो भी आप यूज कर रहे हैं वो लो थोड़ा सा हाथ के ऊपर। मैं क्या यूज कर रही हूँ उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। यूज इट फटाफट बिकॉज दिस इज मॉम स्किन केयर रूटीन, दिस इज नॉट अ टीनेज स्किन केयर रूटीन। वी डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। और सबसे ज्यादा एज भी हम तभी होते हैं जब हम मॉम बन जाते हैं। तो बस मुझे बताओ कि जब सबसे ज्यादा स्किन केयर की जरूरत होती है तभी इतना जल्दी जल्दी क्यों करना होता है। पर ठीक है, लेट्स वॉश इट आउट। We are done. Thankfully, आज मैंने अपने नेक पे कुछ भी यू नो मेकअप नहीं लगाया था तो आई एम सेव्ड। स्किन फील्स गुड, रिफ्रेशिंग। Okay, so let's start with the next process. सबसे पहले लगाएंगे हम थोड़ा सा हाइलुरोनिक एसिड because my skin really needs it after removing makeup। थोड़ा सा ज्यादा मैं अपने चेहरे के ऊपर ना चीजें लगाती हूँ because that is what my skin really needs। तो बस 4 drops एंड कुछ भी चीज लगाए तो अपर मोशन में लगाए। मॉमीज, ओके लेट ड्राई जल्दी 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 जल्दी। अभी इन सब प्रोडक्ट्स को कौन समझाए कि हम मॉम है। वी डोंट हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। देन आई यूज माई मॉइस्चराइजिंग क्रीम विच इज अगेन रियली इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये रात होता तो मैंने यूज करी होती मेरी रेटिनॉल नाइट क्रीम फ्रॉम थ क्रीम।
और मेरे पास एक और अच्छा सजेशन है आपके लिए, दैट इज फ्रॉम प्लम, विच इज ऑल्सो लाइक टू यूज समटाइम्स. तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सो आई वुड बी यूजिंग दैट. आई एम जस्ट यूजिंग माई मॉइस्चराइजिंग, यू नो, बिल्कुल एकदम डॉट डॉट तो मैंने नहीं किया है, बट आई विल यूज इट टू मॉइस्चराइज माई फेस, विच इज रियली इम्पॉर्टेंट आफ्टर यूजिंग द मेकअप ऑन योर फेस. तो बस जस्ट बिलो योर आइज, हेयर, हेयर, लिटल मसाज, अपवर्ड, बिलो योर आइज, दोज डार्क सर्कल्स आर रियली अ काइंड ऑफ, यू नो, परमानेंट थिंग फॉर अस. थोड़ा सा मैं लगाऊंगी, ये है मेरी अंडर आई क्रीम, बहुत जस्ट इतना सा, यू नो, इज मोर देन इनफ. और बस एक स्टेप और बचिए इसके बाद, एंड वी आर डन एंड गुड टू गो. फिर भी 6 मिनट लग गए, बताओ, इतना सा स्किन केयर करने में भी 6 मिनट्स लग जाते हैं आपको. डन. लास्ट बट द नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी विल नीड इवन इनसाइड आवर हाउस, आई थिंक आई गॉट रियली एक्साइटेड कि मेरा स्किन केयर खत्म होने आ गया है, और मैंने बहुत बहुत मतलब बहुत सारा वाला सनस्क्रीन लोशन निकाल लिया. वैसे कोई बात नहीं, हाथ पे काम हो जाएगा, हो गया. ओके, तो आप सब सनस्क्रीन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, भूलना नहीं कि इवन इन आवर हाउस वी नीड सनस्क्रीन. जब से मेरा थोड़ा वेट लॉस हुआ है, मैं इस एंगल से भी, यू नो, शूट कर सकती हूँ, डबल चिन नहीं दिखती है. वरना पहले तो मैं ऐसे कैमरा रखने में बहुत कॉन्शियस हो जाती थी, आई वुड बी लाइक मेरा डबल चिन दिखेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट इट सब ठीक है एंड वी आर डन. Finally, skin can breathe and I feel so good. Let me show you from a top angle. Nice, isn't it? Subscribe, like and share to my YouTube channel, Prachi Parekh. Bye-bye. And follow me on Instagram, it's @Rainbow, but on a rule.